हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूमि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मूंग दाल और पनीर का चीला की रेसिपी। आप इसे मूंग दाल और पनीर का डोसा भी बोल सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत इसमें बहुत सारा प्रोटीन है और आप इसको ब्रेकफास्ट में, स्नैक में कभी भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत ईजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल पनीर का डोसा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ग्रीन मूंग दाल होती है, हरी मूंग दाल, उसको पूरी रात सॉक करके इसमें से सारा पानी जो है निकाल के साइड में रख लिया है। अब मूंग दाल को जो है हमें मिक्सी जार में डाल के इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे। इसका बैटर जो है हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी जार में मूंग दाल जो है डाल दी है और यहाँ पे मैं अदरक और मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। देन ऊपर से थोड़ी मूंग की दाल और ऐड करेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कप जितना पानी ऐड किया है और इसका हमें जो है बैटर बनाना है और इसको जो हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आप इसको है ना डोसे के जैसा बिल्कुल पतला बैटर हमें इसका बनाना है। तो पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, कैरेट, जिंजर, चिल्ली एंड टोमेटो एंड पनीर जो है कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे है जो बैटर में मूंग दाल का बैटर, उसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से चला लेंगे और साइड में रख लेंगे इसको। और अब जो है यहाँ पर मैं कढ़ाई में 2 टीस्पून जितना ऑयल जो है वो गर्म कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए देन यहाँ पर मैं ग्रीन चिल्ली और अदरक जो है वो ऐड कर रही हूँ। देन कैरेट ऐड कर रही हूँ। देन ऐड कर रही हूँ मैं कैप्सिकम। अब जो ये सारे वेजिटेबल्स हैं इसको अच्छे से हमें सॉटे करना है। देन इसके बाद ऐड करेंगे टोमेटो, चॉप टोमेटो ऐड करेंगे। देन इसको अच्छे से चला लेंगे। अब जो यहाँ पे मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ, टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स इट वेल एवरीथिंग। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/4 जितना, मिक्स इट वेल अगेन। एंड देन इसको हमें है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 to 5 मिनट्स, वेजिटेबल जब तक सॉफ्ट हो जाए तब इसको हमें पकाना है। आफ्टर 4 to 5 मिनट्स गैस फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और अब हमारे वेजिटेबल्स जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। अब इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और पनीर को अच्छे से चला लेंगे। देन यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे मैं नॉनस्टिक जो है तवा जो है वो गरम कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से स्प्रेड करेंगे और देन गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। और अब जो है हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। तो जैसे डोसा का हम डोसा बनाते हैं वैसे ही बैटर को हम स्प्रेड करेंगे और आप चाहे पतला गाढ़ा जैसा आप इसको डोसा चीला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं इसको डोसा टाइप बना रही हूँ, बहुत गाढ़ा नहीं रख रही हूँ मैं इसको, बिल्कुल जो है थिन लेयर में बहुत पतला वाला बना रही हूँ डोसा टाइप। तो आप चाहे तो गाढ़ा और चीला टाइप भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है डोसा टाइप बना रही हूँ पतला वाला। चारों ओर जो है ऑयल स्प्रेड कर लीजिए और इसको है ना मीडियम फ्लेम पे पकाइए, बिल्कुल लो फ्लेम पे मत पकाइए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने से ये बहुत है ना क्रंची हो जाएगा और बिल्कुल तेज़ आँच पे पकाने से ये जल जाएगा। तो आप इसको है ना मीडियम फ्लेम पे ही जो है मूंग दाल का डोसा को पकाइए और ऐसे जो है हमारे डोसा को रेडी कर लीजिए। दूसरी ओर भी पलट लेंगे और दूसरी ओर भी ऐसे सेक लेंगे। और जो है अब जो हमारा पनीर वाला और मिक्स वेज वाला हमारा जो हमने स्टफिंग रेडी किया है वो इसके ऊपर रखेंगे और हमारा एक मूंग दाल पनीर का डोसा जो है रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये सेक चुका है और इसको जो है उतार लेंगे और हमारा एक मूंग दाल पनीर का डोसा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको जो है बीच में से कट कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट हमारा मूंग दाल पनीर का डोसा जो है बना है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो सेम ऐसे मैं यहाँ पे दूसरा मैंने लगा लिया है, दूसरा बैटर जो है स्प्रेड कर लिया है, उसके ऊपर मैं ऑयल जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। चारों ओर ऑयल जो है अच्छे से लगा लीजिए और बिल्कुल ऐसे मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाइए। यहाँ पर मैं रूही और खात्विक को जो है पहला मैंने मूंग दाल पनीर का डोसा बनाया वो जो है टेस्ट करवा रही हूँ और दोनों बच्चों को जो है बहुत पसंद आया। मैंने इसको ब्रेकफास्ट में बनाया था तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जो है एक तरफ सिक चुका है, दूसरी तरफ मैंने इसको पलट लिया है और ये थोड़ा क्रंची बना है। और इसको जो है वापस इस पर स्टफिंग जो है रख देंगे और ऐसे आप है ना सारे मूंग दाल पनीर के डोसे जो है बना लीजिए और देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आया और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अक्सर ज़्यादातर इस मूंग दाल पनीर का चीला जो है डोसा इसको शादी ब्याह में आप ट्राई करते होंगे पर इसको घर पे बनाना बहुत आसान है
बहुत ही इजी है देखिए। और यहाँ पे मेरा तीसरा डोसा भी रेडी है और यहाँ पे मैं स्टफिंग रख रही हूँ। और ऐसे सारे आप जो है मूंग दाल पनीर का डोसा जो है रेडी कर लीजिए, बीच में से कट कर लीजिए और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी मूंग दाल पनीर का डोसा की रेसिपी जो है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अपने नई अगली रेसिपी की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू और टेक केयर फ्रेंड्स।